अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक इन माय चैनल माय टीच गुरु। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपने वेब पेज को कैसे कलर दे सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम फॉन्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह हम आज पढ़ेंगे कि हम अपने वेब के जो पेज है उसके बैकग्राउंड को कैसे कलर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ। न्यू फोल्डर लेने के बाद ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को भी ओपन, एचटीएमएल क्लोज, ऐड ओपन, ऐड को हम कर लेते हैं क्लोज। टाइटल ओपन, टाइटल को कर लेते हैं क्लोज। हेड से नीचे हम लोग ओपन कर लेते हैं बॉडी को, बॉडी को कर लेते हैं क्लोज। मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेव एज। मेरा जो फॉन्ट, मैं अपने फॉन्ट के साइज को भी कुछ बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज इज इक्वल देन सेमी कॉलम्स देन ब्रैकेट क्लोज। मैं यहाँ से कर लेता हूँ 7। सेव, सेव करने के बाद रिलोड कर देते हैं। अब मैं इसे सेंटर में भी अलाइन कर देता हूँ। अब मैं अपने फॉन्ट का जो, हमारा जो फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लैक है, हम इसे भी बदल देते हैं। वही काम जो हम पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं। इज इक्वल टू सेमी कॉलम्स रेड। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ सेव। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं जो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो पेज का जो बैकग्राउंड है वेब पेज का, उसका भी कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें चाहिए, इस वक्त जो हम वेज के जो पेज है, इस ये अंदर का जो हिस्सा, इसे कहते हैं बॉडी। जैसे मैंने HTML के बेसिक में बता दिया था आप लोगों को, इसे टाइटल कहते हैं, इसे बॉडी। तो बॉडी का जो बैकग्राउंड है हम उसके कलर को तब्दील करना चाहते हैं। तो इसलिए काम भी होगा बॉडी के अंदर, यहाँ पर काम नहीं होगा। जो काम हम यहाँ पर चाहे वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ जो टेक्स्ट लिखेंगे उस पे काम होगा, और जो बॉडी में जो काम होगा वो जो है सिर्फ बॉडी के अंदर काम होगा, टेक्स्ट में काम नहीं होगा। अभी हम चाहते हैं कि जो बॉडी का जो बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, हम उसके कलर को तब्दील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं BG COLOR कलर। BG का मतलब है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। कलर वही काम जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। कलर लिखने के बाद इसमें सिर्फ ख़ास चीज़ ये है BG का मतलब यानी कि बैकग्राउंड को कलर देना है। अगर आप BG नहीं लिखोगे तो उसे कलर असाइन नहीं होगा, तो इसलिए हम BG लिखते हैं, यानी कि जो बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसका कलर हमें चाहिए। सेमी कॉलम्स, मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ ब्लैक कलर में, ठीक है। ब्लैक के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद हम लोग रिलोड कर देते पेज को। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर ही आ रहा है। तो इस तरह हम अपने जो हमारा जो वेब का जो पेज है, हम उसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
येलो, मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद रिलोड कर देते हैं। ये इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हो। ऐसे और जो है आप इसे एग्जा डेसिमल नंबर में भी लिख सकते हो, यानी कि डेसिमल नंबर में, जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट के कलर के आपको बताए थे वही कलर कोडिंग है। आप डेसिमल नंबर में लिख दो या टेक्स्ट में लिख दो, मैं अभी यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ डेसिमल नंबर में। ऐश डालने के बाद आप कुछ भी लिख दो। ये लिखने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद रिलोड कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कलर चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद इस तरह आप या कुछ अल्फाबेट या कुछ नंबर दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। सेव सेव करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ रीलोड। तो इस तरह से आप अपने ये वेब के पेज को कलर दे सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप पर जल्द जल्द पहुंच जाए। शुक्रिया।